दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर डिफरेंट टूल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया है। इस लेसन में मैं आप लोगों को जिस टूल के बारे में बताने जा रहा हूं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और उसका नाम है मार्की टूल। दोस्तों आप लोग अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर अपने इमेजेस अपलोड करते हैं, तो जो सबसे पहला काम आप अपने इमेज को अपलोड करते हुए कर रहे होते हैं वो होती है उसकी सिलेक्शन या क्रॉपिंग। फोटोशॉप में हम फोटो एडिटिंग के लिए सिलेक्शन या क्रॉपिंग जो स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं मार्की टूल की मदद से। तो दोस्तों चलें देखते हैं कि फोटोशॉप में मार्की टूल की मदद से हम किसी भी इमेज को किस तरह से सिलेक्ट या क्रॉप कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ओपन कर रखे हैं। जैसे कि ये एक किड का इमेज है, बहुत ही खूबसूरत सा, और इसके अलावा ये एक इमेज है फुटबॉल का। तो चलें इन इमेजेस की मदद से हम ज़रा देखते हैं कि हम मार्की टूल से सिलेक्शन या क्रॉपिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये मूव टूल के बाद जो हमारा टूल बार के अंदर सेकंड टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसकी शॉर्ट की जो है वो है एम। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एम प्रेस करेंगे तो आप ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल या मार्की टूल के अंदर जो है वो पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एक किड का इमेज मौजूद है इसको हम किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एरिया जो है वो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो चलें इसको ज़रा सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं मार्की टूल की मदद से। दोस्तों इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आपने ये यहाँ से किसी भी एक जगह से जहाँ से आप सिलेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपने वहां से अपने माउस की मदद से ड्रैग करना शुरू करना है, और जितना एरिया आप अपनी सिलेक्शन के अंदर चूज करना चाहते हैं उतना एरिया चूज करने के बाद आपने माउस को छोड़ देना है। तो ये देखें, ये आपके पास एक खास सिलेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आ गई। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका नाम मार्की टूल भी है और इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, आप स्क्वायर फॉर्म में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अब आपके पास ये जो किड का इमेज है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको अगर आप मूव करना चाहें तो आप मूव टूल को सिलेक्ट करें और इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया आपने सिलेक्ट कर दिया हुआ है। तो यानी कि ये देखें, मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे मूव कर सकता हूँ, जिसकी मदद से होगा क्या कि ये जो बीच वाला एरिया था जहाँ से मैंने इसको मूव किया है वहाँ से मुझे जो नीचे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर है वो नज़र आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बैकग्राउंड वाली लेयर में हमने इस वक्त वाइट कलर रखा हुआ है, तो हमें वाइट कलर वहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया जहाँ से हमने सिलेक्शन लेके उसको मूव किया है। अच्छा जी, कंट्रोल ऑल्ट जी करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है इसको हम डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो सिलेक्टेड एरिया मेरा डिलीट हो गया है। अच्छा, एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो क्या होगा कि आपने जो सिलेक्शन ली हुई है वो सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी। यानी कि पहले मैंने ये बच्ची का इमेज सेलेक्ट किया था, ये जो फ्रेम था मेरा अब ये अनसेलेक्ट हो चुका है, और ये जो इसके बाहर वाला एरिया मौजूद है जो कि पहले मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, बेसिकली अब वो वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है। इसको दिखाने के लिए आपको मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूं, तो ये देखें जो सिलेक्शन से बाहर वाला एरिया था जो अब सेलेक्ट हो चुका था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ अपनी सिलेक्शन को जो है वो इनवर्स भी कर सकते हैं। चलें इसको दोबारा एक बार रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से देखते हैं। ये देखें, मार्की टूल के अंदर ये हमारे पास तीन चार किस्म के मार्की टूल्स हैं। एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल है जिसकी मदद से हम सर्कुलर फॉर्म में जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, थोड़ी सी इलिप्टिकल सिलेक्शन हमें मिलेगी। इसके बाद ये सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से हम एक बार दोबारा सिलेक्शन लेके देखते हैं। ये देखें, अब इसका नाम तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है लेकिन हम इसकी मदद से ये स्क्वायर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि ये इस वक्त मैंने सिलेक्शन ली और ये मैंने सिर्फ जो बच्ची का फेस वाला एरिया था उसको मैंने यहाँ पे चूज़ किया है और उसको मैंने डिलीट भी कर दिया। इसी तरह से इसको मैं
मूव भी कर सकता हूँ किसी भी जगह पे। अच्छा जी, डी सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं जी इलिप्टिकल मार्केट टूल, जो कि मार्केट टूल की एक सेकेंड ऑप्शन है। ये देखिए, इलिप्टिकल मार्केट टूल की मदद से हम जो सिलेक्शन ले सकते हैं ये बिल्कुल गोलाई के अंदर सर्कुलर सिलेक्शन हमारे पास आएगी, ये देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल डी प्रेस करते ही हमारी जो सिलेक्शन है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको इस वाली लेयर को ऑफ करके ये दूसरी जो लेयर है इस वाली लेयर को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फुटबॉल का इमेज हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको इलिप्टिकल मार्केट टूल से सिलेक्ट करने की कोशिश करें तो ये देखें, ये मैंने इलिप्टिकल मार्केट टूल लिया और ये मैंने जो फुटबॉल वाला एरिया था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ। कंट्रोल डी हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी सिलेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो सिलेक्शन है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जी मार्केट टूल में, सिंगल रो मार्केट टूल। दोस्तों ये आमतौर पर तो यूज़ नहीं होती, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको आप एक इफ़ेक्ट के तौर पे अपने इमेज में किसी भी वक्त चूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूँ तो ये देखें, ये एक बहुत ही माइनर सी और बारीक सी एक रो जैसी लाइन है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करूँ और कंट्रोल डी प्रेस करूँ और इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक सी एक रो की सूरत में सिलेक्शन मेरे पास आई थी और उसकी मदद से मैंने कुछ एरिया जो है वो डिलीट कर दिया है। तो ये हम डिफरेंट यहाँ पे सिलेक्शंस लेके इसको हम एक इफ़ेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इसको बार बार रो की सूरत में एरियाज लें और उसको डिलीट करें तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने इमेज के ऊपर एक ख़ास किस्म का पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो चुका है। इसको आप काफ़ी डिटेल के अंदर आराम से तसल्ली के साथ जो है वो सिलेक्शंस, क्लोज सिलेक्शंस लेके एक पैटर्न जो है वो आप इसकी मदद से बड़े आराम से बना सकते हैं। ये देखें, मैं क्विक सिलेक्शन लेता जा रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको जो है वो डिलीट का बटन प्रेस करता जा रहा हूँ तो बारीक बारीक जो रोज़ हैं वो मेरे इमेज के अंदर से जो है वो डिलीट होती जा रही हैं। और अब अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये एक पैटर्न सा जो है वो यहाँ पे आपको बना हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इसी तरह से जो आखिरी हमारे पास इसमें ऑप्शन मौजूद है, अगर इसको हम देखें तो ये जो रो वाली ऑप्शन है इसके थोड़ा सा बरक्स है, ये कॉलम की ऑप्शन है, बिल्कुल इसी तरह से यूज़ होती है जिस तरह से कॉलम वाली ऑप्शन, यानी कि आपने यहाँ पे आके सिलेक्शन एक सिर्फ क्लिक करना है तो आपकी एक सिलेक्शन बन जाएगी और जैसे ही आपकी सिलेक्शन बनेगी तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं या इस एरिया को मूव कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप बड़े आराम से यहाँ पे आके कर सकते हैं। और ये आपने जो पैटर्न बनाना है इसमें आप डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं ये आप खुद चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये एक रैंडम पैटर्न बना रहा हूँ और इसमें मैं कुछ डिस्टेंस का ख़ास कोई हिसाब नहीं रख रहा, लेकिन आप ये जब इसको एक ख़ास पैटर्न बनाना चाहें तो आप बेशक किसी ख़ास पैटर्न के अंदर इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये एक स्क्वेयरिश एक उसमें ग्रिड सी जो है वो डिलीट हो चुकी है हमारे इमेज के ऊपर से और ये एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न सा जो है वो बन गया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि फ़ोटोशॉप में कितनी आसानी के साथ हम मार्केट टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म की सिलेक्शंस ले सकते हैं और अपने इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से उसमें सिलेक्शन लेके उस सिलेक्शन को किसी दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और आपने सिलेक्शन को इन्वर्स करना भी इस लेसन के अंदर सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट टूल की अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।